T20 लीग पर TV9 भारतवर्ष की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज आपको दिखा रहे हैं। अब मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत, जो कि टॉस को लेकर है। किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मुकाबला होना है, जिसमें दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दिल्ली की टीम में 3 बदलाव हुए हैं, वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। ऋषभ पंत, हेटमर और साथ ही डैनियल सैम्स आज का मैच खेल रहे हैं। पंजाब की टीम में क्रिस जॉर्डन की जगह जेम्स निशम खेल रहे हैं, ये एक बदलाव किया गया है। और रोज की तरह डगआउट में मेरे दोस्त होगी, किंग्स 11 पंजाब में सरगम मेरे साथ हैं, दिल्ली कैपिटल्स में शुभांकर मेरे साथ हैं। और अभी टॉस की ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला दिल्ली कैपिटल्स ने किया है। रीमा एज एन एक्सपर्ट हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुकी है, और रीमा पहला रिएक्शन टॉस को लेकर ही, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी वो कर रही है और दोनों के लिए आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है पे ऑफ के लिहाज। जी हाँ, दिल्ली के लिए मैं कहूँगी फिर भी वो पहले नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में है, लेकिन अब एक सिस्टम सेट हो गया है कि आप टॉस जीते पहले बल्लेबाजी कीजिए। अगर 160-170 रन भी आप बनाते हैं तो वो इन विकेट्स पे, स्लो विकेट्स पे, टायर्ड विकेट पे डिफेंडेबल टोटल होता है। अच्छी बात है कि आपने पहले बल्लेबाजी चुनी, क्योंकि आपकी जो गेंदबाजी है वो काफ़ी अच्छी है, इतना आसान नहीं होने वाला किंग्स 11 के लिए।